नमस्ते, स्वागत है आप सबका मॉम स्टूडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इस वीडियो की शुरुआत मैं थैंक यू बोल के करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो अराउंड 3-4 दिन पहले पोस्ट की थी, जिसमें मैंने मनीष के बारे में बताया था कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। तो मुझे ढेर सारे मैसेजेस आए, ईमेल्स आए, फेसबुक पे मैसेज आए हैं एंड कॉल्स आए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं। जिनको नहीं पता था उनको भी पता चला, तो बहुत सारे कॉल्स आए हैं, मगर मैं बहुत सारे कॉल्स उठा नहीं पाई, रिसीव नहीं कर पाई, मैसेजेस के आंसर भी मैं पर्सनली नहीं दे पाई। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो की शुरुआत मैं आप सबको थैंक यू बोल के करना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, स्ट्रेंथ दी एंड आगे बढ़ने की सलाह दी। सो थैंक यू वेरी मच आप सबको, मॉम स्टूडियो की टीम की ओर से एंड मेरी फैमिली की ओर से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्या, दिस क्वेश्चन कोई भी फोन करके पूछता है, कोमल अब क्या करोगी? सो आई एम लाइक सीरियसली अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं रोती रहती पूरा दिन रोती रहती, या पास्ट सब कुछ याद करके, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वाई ओनली गॉड चूज मी फॉर दिस, और या मैं आगे बढ़ूँ बिकॉज आई हैव माई किड्स विथ मी। तो मैंने दूसरा रास्ता अपनाया, मैं खड़ी हुई, आंसू पोंछे एंड बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। फिलहाल अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, बच्चों को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, परिवार मुझे संभाल रहा है, मैं परिवार को संभाल रही हूँ अभी फिलहाल। तो हम एक दूसरे के को संभालते संभालते खड़े हो रहे हैं, वापस रोना आता है तो रो लेते हैं, याद तो ऑफकोर्स आने ही वाली है, वो तो मरते दम तक याद तो दिल से जाने वाली नहीं है, मगर अगर हम लोग रोते ही रहेंगे तो काम कब करेंगे? बच्चों का भविष्य भी सामने है, बच्चों का भविष्य है, अगर वो मुझे रोते हुए ही देखेंगे या मैं कोने में बैठ के रोती रहूँगी या चुप चुप बैठी रहूँगी तो उनके माइंड पे भी अफेक्ट होगा, और वो लोग भी अपने पापा को फिर मिस करेंगे एंड आई डोंट वॉन्ट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। तो मैं आई एम ट्राइंग टू मूव एंड सेटल इन लाइफ, एंड जो जो सपने मैंने और मनीष ने देखे थे घर के लिए, बच्चों के लिए, अपनी लाइफ के लिए, वो मैं कोशिश करूँगी कि सारे के सारे मैं जाने से पहले पूरे करूँ एंड मनीष को खुश करूँ। तो फिलहाल मेरा मोटिव यह है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, लिखाना है, आगे बढ़ाना है एंड एक एक करके ड्रीम को पूरे करने हैं। तकलीफें आएंगी, आई नो बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, मगर चलते जाना है, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। बहुत फिलोसॉफिकल बात है, मगर जो अभी मेरे साथ इन 20-25 दिनों में हो रहा है ना, आई एम लाइक दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं, आइडियाज अपने आप आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बस हमें चलते जाना है, रुकना नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। तो फिलहाल तो वही अभी चीज़ चल रही है, और ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ इस लड़ाई में, मेरी जैसी बहुत सारी औरतें होंगी जो ये लड़ाई लड़ रही होंगी, जिनके लाइफ पार्टनर्स छोड़ के चले गए होंगे, बहुत सारी को मैं पर्सनली जानती हूँ जो है यहाँ पे, जो है, मगर आगे बढ़ना है एंड चलते जाना है। फॉर एग्जाम्पल मी, हमारा जो काम था वो इट वॉज डिवाइडेड, फिनेंशियल एंड आउटसाइड मैटर्स वर लुक्ड बाय मनीष एंड घर का सारा जो था वो मैं देखती, मगर अब दोनों काम मुझे करने हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ रही हूँ। फिनेंशियली कैसे हैंडल करना है घर को, या सब कुछ आई एम लर्निंग, स्लोली स्लोली मैं सब सीख जाऊँगी, क्योंकि फिनेंस होगा तो सब कुछ होगा, दैट इज फैक्ट ऑफ लाइफ एंड ट्रूथ ऑफ लाइफ, जिसे कोई भी नहीं टाल सकता है।
अभी बस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब लर्न करना है, आगे बढ़ना है, सीखना है। जो मनीष मुझे सिखाना चाहते थे, बच्चों को सिखाना चाहते थे, बस वही सपने पूरे करने हैं एंड आगे बढ़ना है। तो आज का जो वीडियो है वो मैं आज उन लोगों के लिए करना बोल दो चीज़ें मैं आज इसमें कवर करने वाली हूँ जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है। तो आज है कि डेथ होने के बाद व्हाट इज़ अ प्रोसेस फॉर डेथ सर्टिफिकेट, जो मैंने फेस किया है, आई डोंट वॉन्ट एनीबडी एल्स टू फेस दैट। आज एक महीना पूरा हो गया है एंड हमें अभी तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सिविल हॉस्पिटल में थे वो, सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे 1200 बेड्स एक में है, बहुत सारे तीन चार आई थिंक सो है 1200 के बेड्स जो नॉट विद इन सिविल, आजू बाजू में है। तो मंजूश्री करके जो 1200 का बेड थे वहाँ पे मनीष वॉज देयर एडमिटेड, आईसीयू में थे। तो जब डेथ हुई तो वहाँ से हमें आई शो यू ये दिया गया, इसमें सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट लिखी हुई है, बट व्हेन आई लुक थ्रू इसमें डॉक्टर का नाम हाफ लिखा हुआ है, लाइक शॉर्ट फॉर्म में है, कॉज ऑफ डेथ एज सच कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये पहले तो हमें क्या करना है, पहले हमें डेथ सर्टिफिकेट लेना है, क्योंकि जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं आएगा हमारा कोई भी काम आगे नहीं बढ़ेगा, तो इंश्योरेंस का होगा, फिनेंस का, बैंकिंग का, या कुछ भी और रिलेटेड होगा, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे फर्स्ट थिंग इज रिक्वायर्ड इज डेथ सर्टिफिकेट। तो अभी तक डेथ सर्टिफिकेट एक महीना हो गया है, डेथ सर्टिफिकेट हमें नहीं मिला है। तो मंजूश्री में एडमिटेड थे, वहाँ से हमें बोला गया कि आप लोग जाइएगा 10-15 दिन के बाद टू सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल में ओपीडी है, ओपीडी के सामने देयर इज विंडो, जीरो नंबर की विंडो बोलते हैं, जीरो नंबर की विंडो पे वहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट्स एंड बर्थ सर्टिफिकेट्स की जो विंडो है वो है, वहाँ पे आप जाइए, आपको वहाँ से मिल जाएगा सब कुछ, और वो म्यूनसिपालिटी की विंडो है। तो वहाँ पे हम लोग गए अराउंड 17-18 डेज के बाद आई थिंक हम लोग गए, और वहाँ पे जाके स्टाफ इज़ वेरी रूड, बोलते हैं रैंडमली, दे डोंट इवन सी द स्लिप, बोल देते हैं 10-15 दिन के बाद आ जाइए। वी आर लाइक ऑलरेडी टाइम हो चुका है 10-15 दिन के बाद, वी नो कि वहाँ पे भी उन लोगों को भी रश है, बट एटलीस्ट आप देखिए स्लिप, देखिए क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं देखते हैं, रैंडमली बोलते हैं 10 दिन के बाद आ जाइए, 15 दिन के बाद आ जाइए। बिकॉज हमारे जैसे बहुत सारे लाइन में खड़े थे जिनके रिलेटिव्स की डेथ इवन बिफोर 24th या 21 या यू नो से पहले भी हो चुकी थी, जिनको अभी तक नहीं मिला था। तो वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है डेथ सर्टिफिकेट का। उसके बाद हमने इंक्वायरी कर की कि इतना डिले क्यों हो रहा है, तो पता चला कि जहाँ पे एडमिटेड थे वहाँ के डॉक्टर्स ने या वहाँ के उस जो फीड इन करना होता है डेटा वगैरह, वो कुछ फीड इन अभी तक हुआ ही नहीं है, म्यूनसिपालिटी वालों को मिला ही नहीं है। जब तक हॉस्पिटल से फीड इन डेटा नहीं आएगा म्यूनसिपालिटी वाले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक परसों ही मैं गई थी, अभी तक कुछ भी डेटा फीड इन ही नहीं हुआ है। फीड इन करने के बाद डॉक्टर कम्स टू राइट द रीज़न फॉर डेथ इन द डेथ सर्टिफिकेट। तो डॉक्टर भी अपने टाइम के हिसाब से आएंगे, लिखेंगे, और आई डोंट नो, अभी तक मैं परसों गई थी, अभी तक 15-20 दिन मुझे बोले हैं, 15-20 दिन के बाद ही मुझे डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये जो लंबा प्रोसेस, आप मुझे नहीं लगता कि 2 महीने से पहले मुझे मिलने वाला है डेथ सर्टिफिकेट, क्योंकि काम ही वैसे कर रहे हैं, नो वन इज बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग ओवर देयर, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा रहे हैं, प्रॉपर साइन बोर्ड नहीं लगे हुए हैं, स्टाफ को आधा कुछ पता है आधा कुछ पता नहीं है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ भगाते रहते हैं कि आप वहाँ जाओ, आप यहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ, सो नथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड है। तो अगर आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल,
आप आराम से 1 महीना 2 महीना आराम से आप बैठिए, आप तभी उसके बाद ही आपको मिलने वाला है। दैट इज वॉट आई हैव गॉन थ्रू। और उसके बाद आई वॉन्टेड टू नो द रीजन फॉर माई हजबेंड्स डेथ विच आई नो, कोरोना, रेमडेसिविर एंड ब्लड क्लॉट, हार्ट अटैक, दैट इज वॉट एवरीबडी इज सेइंग एंड दैट इज वॉट आई केम टू नो। बट डॉक्टर ने अभी तक मुझे फेस टू फेस आके नहीं बोला है या मुझे आके बोला नहीं है कि दिस इज हैपन एंड मुझे फाइल नहीं मिली है व्हाट ऑल प्रोसेस, आई मीन व्हाट ऑल मेडिसिंस वर गिवन टू हिम एंड क्या हुआ था, नथिंग आई नो व्हाट अंडर व्हाट मेडिकेशन ही वाज इन। सो आई रिक्वेस्टेड फर्स्ट आई ऑन दैट डे इटसेल्फ आई टोल्ड डॉक्टर गिव मी द फाइल इन मंजूश्री इटसेल्फ। सो ही टोल्ड दैट अभी आपको फाइल नहीं मिलेगी, आप 10-15 दिन के बाद आइए टू गो टू सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको मेडिकल रिकॉर्ड रूम से आपको फाइल मिल जाएगी। और तो हमने जो हमारे सारे रिचुअल्स होते हैं वो मैंने कर दिए, बुझ गई, सब कुछ हमने रिचुअल किए। आई केम बैक टू अहमदाबाद एंड मैंने सारे रिचुअल्स अपने करने के बाद आई वेंट 15-20 दिन के बाद आई वेंट टू सिविल हॉस्पिटल अगेन to inquire about the medical file and the medical details. I went to medical record room. वहाँ पे जाके I am getting the information कि आप एक आपको file नहीं मिल सकती, that is government rule कि corona patients की या उसकी कोई file नहीं होती है and we don't have any rights to give you the files. And वहाँ पे एक lady was there. She is like, what had happened to him? I told corona ka hua tha. Saying, to corona mein to aapko kya file chahiye? What? Why you need file? Corona hi to hua tha. He was, usme kya hai? So I was like, corona hua tha to kya hua? I need to know. It's my right to know that what medicines were given to him, who was there, who under what observation he was, and everything. I need to know. It is my right to know. Even though I know, but I want that on papers. That is my right. And then when I asked for doctor's name, okay, which doctor was on duty at that time, they are like, paper mein likha hai na, paper mein kya likha hai, paper mein sirf 3 akshar likhe hai, how am I supposed to find the doctor by just 3 letters, pura naam bhi nahi likha hua. After 1 hour of moving here and there, they are giving me doctor's name, which doctor was on duty. I'm like, okay, this doctor was on duty, I want to meet the doctor. डॉक्टर तो आपको नहीं मिल सकता है बिकॉज शिफ्ट गेट्स चेंजिंग, ओके आई अंडरस्टूड दैट शिफ्ट गेट्स चेंजिंग एंड ऑल दैट, बट आई वॉन्ट टू नो द मेडिकल रिकॉर्ड्स। देन फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल दे टेल मी यू बिकॉज यू वॉज ट्रीटेड इन मंजूश्री, यू हैव टू गो टू मंजूश्री एंड मीट देयर एंड चेक द रिकॉर्ड्स देयर, वहाँ से आपको मिल जाएगा। यू लाइक ओके फाइन थैंक यू। वी वेंट टू मंजूश्री अगेन, मंजूश्री में आके वी मेट, लेट मी टेल यू होम वी मेट, मंजूश्री में आके वी मेट CMO, आई मीन दे ही टोल्ड मी यू गो एंड मीट CMO, सो आई एम लाइक एनी स्पेसिफिक CMO का नाम बता दीजिए, आई गो एंड डायरेक्टली मीट हिम। ही इज लाइक नो देर आर 10-12 CMOs ओवर देयर, यू गो एंड मीट एनी वन ऑफ देम। वी वेंट टू मंजूश्री अगेन, वी वेटेड अगेन फॉर 30-45 मिनट्स ओवर देयर एंड देन CMO कम्स एंड CMO टेल्स दैट this is only the hospital where people are getting admitted and we are treating, we have no such records as such, we are not allowed to keep all the records and all, so aapko jo bhi records hoga wo aapko civil se hi milega and unki jo database hogi, we asked him that aap database dekhiye, online database hoga and there the lady is telling that jo database hai, whenever a person dies, expires, the data gets deleted. So we don't have any such data. I don't know how far is that true. And finally, CMO gives us the information that now you have to go to again civil hospital because yahan se aapko kuch information nahi milegi. So you go to civil hospital. So main wapas civil hospital gayi and RTI फाइल करने को बोला है। सो
हमको यहाँ से वहाँ भगाया गया है। दैट आरटीआई फाइल हमको सिविल हॉस्पिटल जब हम लोग रिकॉर्ड रूम में गए थे वो लोग भी बोल सकते थे आप आरटीआई जाके फाइल कर दीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, मगर नहीं, वैसा नहीं बोला गया, आप वहाँ जाइए वहाँ जाइए। फिर मंजूश्री में जाके सीएमओ ने बोला कि आप जाके आरटीआई आप रिक्वेस्ट करेंगे, आरटीआई फाइल करेंगे, तभी आपको आपको मेडिकल फाइल मिलेगी। आई एम लाइक ओके फाइन, आई विल गो एंड डू आरटीआई फाइल की। वहाँ पे D4 की ऑफिस है, डिपार्टमेंट D4, वहाँ पे आरटीआई ऑफिस से आप आरटीआई का मैंने फॉर्म लिया। वहाँ पे एक लॉयर था या आई डोंट नो आरटीआई ऑफिसर था, उसने सारी डिटेल समझाई, फॉर्म दिया, वो फॉर्म मैंने फिल किया। देन 20 रुपए का स्टैंप मिलता है विच इज ऑल्सो इन सिविल हॉस्पिटल। नीचे गई, सारी कॉपीज करवाई, एक फाइल, देन आई सबमिटेड जो भी सारी डिटेल्स थी। आई शो यू द फॉर्म, ऐसा वाला फॉर्म दिया गया एंड इसमें सारी डिटेल्स लिखी गई कि व्हाट ऑल डू यू नीड एंड ऑल दैट। आई वांटेड ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ 5 डेज, सो मैंने वो अप्लाई किया है एंड दे टोल्ड दैट नाउ प्रोसेस विल स्टार्ट नेक्स्ट डे, प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे मेरी नाम की पूरी फाइल बनी बिकॉज आई हैव अप्लाइड इट एंड इट इज बीन प्रोसेस्ड। तो ऑलरेडी 10-15 दिन हो गए हैं, मगर दे टोल्ड दैट अगेन आई विल गेट अ लेटर, पोस्ट से आएगा, वो लेटर लेके मुझे वापस हॉस्पिटल जाना है एंड हॉस्पिटल वाले वहाँ से देन दे विल गिव मी फाइल एंड फाइल लेने के बाद आई कैन सी द डॉक्टर एंड देन डॉक्टर विल गिव मी ऑल इन्फॉर्मेशन, जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए या मेडिकल रिकॉर्ड देखने के बाद मुझे जो भी चाहिए दैट अगेन डॉक्टर विल गिव मी। सो ऐसा नहीं, तो इसमें भी अराउंड 30 दिन लगते हैं, दैट ही टोल्ड 30 दिन लगेंगे। तो अभी तक मेरा काम कुछ आगे बढ़ा नहीं है, आई एम स्टक देयर बिटवीन डेथ सर्टिफिकेट एंड मेडिकल फाइल, दोनों मिलेगी उसके बाद ही मेरा जो भी काम होगा वो आगे बढ़ने वाला है। तो जो लोग को लगता है कि मेडिकल फाइल नहीं मिल सकती, आपको मेडिकल की डिटेल्स चाहिए, आप आरटीआई फाइल कर दीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और आरटीआई फाइल करना भी बहुत ही सिंपल है, सिविल हॉस्पिटल से ही हो जाता है, वहाँ पे आपको फॉर्म भी मिलेगा, आपको अगर आपको गुजराती नहीं आती है क्योंकि फॉर्म गुजराती में है तो आपको वो फिलअप करके भी दे देंगे एंड 20 रुपए का भी आप वहाँ से नीचे से ही आपको सब कुछ आपका वहीं से वहीं हो जाएगा। तो और आपको यहाँ वहाँ भागने की कोई ज़रूरत नहीं है जैसी कि मैं भागी हूँ 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। सो ये था मेरा छोटा सा आज का सर्वे जो मैंने किया है, बहुत भागी हूँ मगर आई वॉन्ट, दिस इज माई राइट टू नो इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन कि मुझे कि मनीष के साथ क्या हुआ था एंड आई वॉन्ट दैट इन रिटर्न बेसिकली, क्योंकि रिटर्न में मेरे पास ऐसा कुछ सच इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट्स वाई मैं यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ भाग रही हूँ एंड सक्सेस भी हो जाऊँगी, कुछ दिन की बात है। एंड उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ क्या नहीं करने वाली हूँ दैट इज ऑल रनिंग इन माई माइंड। सब लोग पूछते हैं कि कोमल अब क्या करोगी, वॉट विल यू डू नाउ, आई हैव माई बैक ऑफ माइंड बहुत कुछ मैंने और मनीष ने सोचा था, तो वही कंटिन्यू करूँगी एंड आई विल मेक मनीष हैप्पी क्योंकि ही इज़ योर अराउंड, ही इज़ नॉट लेफ्ट अस एनीवेयर, वो जहाँ भी है खुश हैं एंड बस मैं वही, अब तो वही दुआ करनी है कि वो जहाँ रहे खुश रहे एंड हमें सपोर्ट करें, हमें अगर हम कहीं गलत जा रहे हैं तो राह दिखाएं और स्ट्रेंथ बने हमारी, हमारी वीकनेस ना बने। तो वही बस दिन रात वही प्रे करते हैं, रोना आता है, याद आती है, बच्चों के बहुत अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, वो हम लोग वो आंसर करने बड़े मुश्किल होते हैं, दैट इज़ द डिफिकल्ट फेज एक्चुअली। हम तो कोने में जाके रो लेंगे, बच्चे तो रो भी नहीं पाएंगे, उनके माइंड में बहुत क्यूरियोसिटी रहती है क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ, तो वो सब कुछ डिफिकल्ट होता है आंसर करना, इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी मदर और एनी लव
एनी दिस थिंग मे बी इट लूजिंग अ फादर और लूजिंग अ मदर, मगर सिंगल पेरेंट को आंसर करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, बट आई एम लर्निंग दैट ऑल्सो आई एम लर्निंग. लाइफ है, जिंदगी है, सब कुछ सिखा देती है. एक एक स्टेप फूक फूक पे चढ़ना पड़ता है, सोच सोच के आगे कदम बढ़ाने हैं, विच वी विल डू. एंड बस मैं वही चाहती हूँ कि सब लोग अपनी 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 लाइफ में बिजी होने वाले हैं, नॉट नाउ नॉट टुमारो. मम्मी पापा, देवर देवरानी, भाई बहन, सब लोग की अपनी लाइफ है, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में जाने वाला है, एंड विच इज़ फेयर इनफ, जाना ही है. मेरी अपनी लाइफ है, मैं भी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाऊंगी धीरे धीरे. हमारी छोटी सी दुनिया वापस से बस जाएगी, मगर ही विल बी मिस्ड. वो तो पूरी लाइफ मिस होने वाले हैं, टिल माई लास्ट ब्रेथ हम सब लोग मिस करने वाले हैं. मगर दिस इज लाइफ, मे बी डेस्टिनी ने यही सोचा था. I don't know, body. Anyways, बहुत difficult होता है, बहुत ही easy नहीं होता है. Life partner के बिना life कभी सोच, ये एक डर रहता है मेरे, मतलब सबके मन में ये डर रहता है. I am sure मेरा डर ये मेरे मन में भी डर था, तो मेरा डर हकीकत में बदल गया भगवान ने. और आई हैव टू लिव लाइफ विदाउट हिम, बट ही इज ऑलवेज देयर अराउंड मी, विथ मी, इन माय हार्ट, इन माय किड्स, इन माय हाउस, इन आर हाउस. बस वही एक शिकवा है, किससे शिकवा करूँ वो भी पता नहीं चलता. भगवान से करूँ, अपने आप से करूँ, अपने कर्मों से करूँ, आई डोंट नो किसको जा. बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं माइंड में, इनके आंसर्स गूगल के पास नहीं है. बहुत हंट किया गूगल के पास भी आंसर्स नहीं है. तो ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स गूगल के पास नहीं है. बहुत कुछ, अभी तो लंबी जिंदगी है, बहुत कुछ देखना है, सीखना है, मगर हार नहीं माननी है. तो आज का व्लॉग यही था. अगर आपको पसंद आया हो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब. मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो में अगली रेसिपीज के साथ. टिल देन बाय बाय, सी यू.